मैं चैंप से तो आज हम मनाने वाले हैं होली की स्वादिष्ट डिश। तो आज हम मनाने वाले तो है ठंडाई, लेकिन उसमें तड़का डालेंगे, वो है ठंडाई मूस। तो बिना और कुछ बात किए हम शुरू करते हैं। तो हमें ठंडाई मूस बनाने के लिए चाहिए पैन और हाफ लीटर ऑफ दूध। तो मैंने पैन को ऑन कर दिया गैस को, और अभी हम ये हाफ लीटर दूध को एक उबाल आने तक चल करेंगे। तो बॉइल करते हैं। और आपको हाफ लीटर दूध की ज़्यादा क्वांटिटी में ये ले सकते हो, और आपको फुल फैट मिल लेना था कि आपकी ठंडी और टेस्टी बने। तो हमें इसको एक उबाल आने तक अच्छे से स्टर करना है, और हमें ना ये साइड साइड में जो मलाई इकट्ठा हो रही है ना, उससे भी सब क्लीन कर देना है ताकि थोड़ा अच्छा टेस्ट है। और ये उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद हमें स्लो पे कर देना है गैस। तो हमारा उबाल आ गया है और मैंने गैस को बंद कर दिया। अभी हम बनाते हैं ठंडाई का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें चाहिए ठंडाई सिरा, चीनी और मिल्क पाउडर। अभी हमने गैस को ऑन कर दिया, हमें स्लो फ्लेम पे करना। तो अब हमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच ठंडाई के, ठंडाई सिरप। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ठंडाई का जो फ्लेवर है वो मिल्क में डिजॉल्व हो जाए और एक एकदम अच्छा सा कलर आ जाए। तो अभी ये थोड़ा येलो में टर्न हो रहा है, और हमें इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। टर्न हो रहा है, हमें ठंडाई को ना एक उबलाने तक पकाना अच्छे तरह से ताकि उसका फ्लेवर एकदम उठ के आए। अभी एक उबला आ गया है, अभी हम डालेंगे केसर। ये ऑप्शनल है, 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लें ताकि केसर का भी फ्लेवर आ जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, और अभी हमको इसमें रखना है चीनी। आप किस दोनों समय डाल सकते हो, तो मैं आपके खाने की समझ ले रही हूँ। तो मैंने खाने के चम्मच के हिसाब से 4 चम्मच चीनी ले लिया। आप अपने मीठा के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी डिजॉल्व हो जाए। तो हमारी चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो गई है, और अभी हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो हम डाल रहे हैं यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल भी लम्स ना बढ़े। तो मिल्क पाउडर और चीनी एकदम अच्छे से डिजॉल्व हो गई है। अभी हम मूस बना रहे हैं तो जाड़ा तो होना ही चाहिए ऑफकोर्स। तो हम क्या डालेंगे, कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और अगर आपके लम्स पड़ जाते हैं तो आप विस्कर यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, बिकॉज हम जब भी हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो लंग्स आने के मतलब कंडीशन होते हैं। तो आप विस्कर से मिक्स करिए, आपके बिल्कुल लंग नहीं आएंगे। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता सकती हूँ, ये आपकी ठंडाई बनने के बाद उसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए और बीटर से अच्छे से फेंट दीजिए, तो भी विस्क मतलब बिल्कुल लग नहीं आएंगे आपके। अच्छे से एकदम व्यस्त कर रही हूँ।
तो अभी हमको फास्ट स्पीड पे दो उबाला लेना है ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए, बिकॉज हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया ना, तिक्का नहीं है। तो हम उबाला लेके फिर इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसे चर्न कर देंगे ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उबाला आ गया। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तब हम तैयारी करते हैं व्हिप क्रीम की, लेकिन हम बाहर से नहीं लाने वाले, हम इसे घर पे, वो भी 5-10 मिनट में बन जाती है। तो तैयारी करते हैं फटाफट व्हिप क्रीम की। हमारी ठंडाई तो ठंडी हो रही है और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूव्स की तैयारी। चलो अच्छा, हमें चाहिए एक बाउल और फ्रेश क्रीम, मतलब मलाई की, जो मलाई निकलती है ना, वो तो मापने वाले चम्मच से तीन बड़े चम्मच मलाई है। आप आपके दूध की क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं क्या कितनी मलाई चाहिए। फिर हमें डालेंगे 1 चम्मच ठंडाई सिरप और चीनी के स्वाद के अनुसार जितना मीठा आपको चाहिए और थोड़ा 2 चम्मच मिल्क पाउडर। फिर हमें चाहिए विस्कर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसको अच्छे से फेंट लिया और ये कुछ इस तरह का एकदम पेस्ट काइंड ऑफ बन जाएगा और इसको टेस्ट करो ना आप, बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये हमारा हो गया। तो हम हमारे ठंडाई की तरफ जाते हैं। तभी मैं इसको फटाफट पीस के आती हूँ और उससे पहले हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो हमारा ठंडाई और व्हिप क्रीम का एंडो रेडी हो चुका है। तो फटाफट हम इसको सर्व करते हैं। तो हमारे सर्विंग प्लेट्स आ गई हैं। हमने लिए 2 ग्लासेस। सबसे पहले हम डालेंगे हमारी ठंडाई। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको अच्छे से चॉन कर लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। अभी हमने दोनों बाउल में ठंडाई सर्व कर दिए। अभी हमारे जो मावा काइंड ऑफ क्रीम बनाया हमने, वो हम डालेंगे। अब हम इसमें थोड़े से आलमंड्स डालेंगे, चॉप्ड आलमंड्स। चॉप्ड आलमंड्स हमने डाल दिया, तो अभी हम डालते जो हमारी ठंडाई बची हुई थी। और ये हमारा मावा हल्का सा पक, और हम डालेंगे थोड़ा सा बादाम गार्निशिंग के लिए। और मैंने एक ही साइड पे वो डाला है ताकि थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट आ जाए। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि थोड़ा जम जाए और ठंडी ठंडी सर्व करेंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा 15 मिनट हो गया और हमारी डिश पूरी तरह से तैयार हो गई।